वेलकम टू ऑल व्यूअर्स, नमस्कार सभी को। आज का ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए है और गूगल क्लासरूम को मैनेज करने के लिए बनाया गया है कि किस प्रकार वो गूगल क्लासरूम मैनेज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। गूगल क्लासरूम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, आपके फ़ोन में जीमेल अकाउंट होना चाहिए और वो उसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना चाहिए जिससे आपको गूगल क्लासरूम चलाना है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जीमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और उसको अपन कैसे देख सकते हैं जीमेल अकाउंट को देखने के लिए, आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, और फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद देखेंगे कि आपका अकाउंट कहाँ लॉगिन है, तो आप उसको इसमें देख सकते हैं, माय अकाउंट एंड गूगल अकाउंट। देखो ये आपको दिख रहा होगा, गूगल अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, आपको ये देखना है गूगल कि आपका इसमें लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, देखो इसको देखना कैसे, टैप करना है और जैसे मैं टैप करूँगा तो इसके अकाउंट दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ये मेरा अकाउंट है, इसमें मैंने इसको अकाउंट कर रखा है। ठीक है, तो आपका भी ये, और यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अगर हम एक दो और अकाउंट है, अगर हमारे पास नहीं है, याहू का बना रखा है हमने या रेडिफ मेल बना रखा है, किसी और ईमेल साइट पे हमने जीमेल अकाउंट बना रखा है, तो हम दूसरा ईमेल इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो वी कैन ऐड हियर फ्रॉम हियर। ओके, जैसे चूज अकाउंट, ऐड अनदर अकाउंट, यहाँ से हम दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो गई अकाउंट की बात, अभी चलो इसको गूगल क्लासरूम क्या कैसे करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर देख लेना है कि फॉर यू और ऐप्स पे क्लिक होना चाहिए और यहाँ पे डालना है गूगल क्लासरूम ऐप। ओके, GOOGL, ये गूगल क्लासरूम। ओके, गूगल क्लासरूम जैसे क्लिक करेंगे गूगल क्लासरूम पे तो आपके पास अनइंस्टॉल और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ओनली इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मेरे ओपन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखा है इसको। ओके, अभी मैं इसको जैसे आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास भी ऐसे दो ऑप्शन आएंगे, अनइंस्टॉल और ओपन, तो आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे अपन ओपन करते हैं तो हमें गूगल क्लासरूम के अकाउंट में लेके जाता है ये। अब आप देख रहे हैं ये जो मेरी क्लासेज हैं ये मैंने ज्वाइन कर रखी हैं, इतनी क्लासेज में ज्वाइन हूँ। ठीक है, लेकिन आपकी जो स्क्रीन है वो ब्लैंक दिखाएगा, यहाँ पे आपको कोई क्लास भी नहीं दिखाएगा अगर आपने कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की है तो अब तक। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए गूगल क्लासरूम पे आपको प्लस, ये जो देख रहे हैं आप प्लस का साइन ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में, प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आता है ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। ठीक है, तो यू कैनॉट क्रिएट, ओके, बच्चों के लिए ओनली ज्वाइन क्लास है। ठीक है, ज्वाइन क्लास करना है, ज्वाइन क्लास करते क्लास कोड। ओके, क्लास कोड, अब ये क्लास कोड कहाँ से मिलेगा आपको, क्लास कोड आपको जो भी सब्जेक्ट टीचर होगा, जिस स्कूल में भी आपको बच्चा पढ़ता है तो वहाँ का जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है क्लास कोड। ठीक है, तो क्लास कोड आप लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ GMEP3PQ। आफ्टर दैट इसको ज्वाइन करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ज्वाइन हो जाएगा, और जैसे ज्वाइन होगा तो आपके सामने एक नई क्लास हो जाएगी। देखो, सी, यू कैन सी हियर। ओके, सो ये क्लास है 3 ABC सेक्शन है और ये मैं क्लास में ज्वाइन हो चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन सीखते हैं इसमें कि स्ट्रीम क्या है, क्लास वर्क क्या है, पीपल क्या है। स्ट्रीम का मतलब है कि यहाँ पे हम कोई लाइव कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे हमें कोई क्लास के बारे में कुछ बताना है टीचर को तो बोल सकते हैं, टीचर भी यहाँ पे कमेंट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी ले सकता है, अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन मिला कि मार्क योर अटेंडेंस तो यू कैन राइट योर नेम। अदरवाइज आपको सबसे पहले जाना है क्लास वर्क में। ठीक है, क्लास वर्क, ये जो आप देख रहे हैं क्लास वर्क, ये ही इम्पोर्टेंट है आपको, मैं बताता हूँ, ये क्लास वर्क। ठीक है, तो इसी में आपको जाना है, क्लास वर्क में आप जाएँ तो क्लास वर्क में आप सबसे पहले देख रहे हैं राइट योर नेम एंड क्लास सेक्शन ड्यू टुडे, ये आज का ड्यूज़ है। ठीक है, तो अगर इसको कंप्लीट करना है, जैसे मुझे कंप्लीट करना है, मैंने ज्वाइन किया है,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेरा आंसर RAVIKA रविकांत संगीत, ठीक है। एंड आप लिख सकते हैं क्लास क्लास 3 सेक्शन होगा तो ए या बी या फिर सी जो सेक्शन है, ठीक है। अब इसको हैंड इन करना होता है, ये आप भूल जाते हैं अक्सर, हैंड इन करना होता है ना। जब तक हैंड नहीं करेंगे तब तक आपको असाइन रहेगा, वो काम आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे आप हैंड इन कर देंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। देखो हाँ, अब आप अगर गलती से आपका नाम मिस्टेक गलत हो गई या फिर सेक्शन गलत हो गया तो यू कैन एडिट, बिकॉज ये दे रखा है आगे से, है ना, तो एडिट कर सकते हैं। हाँ, अगर ऑप्शन बंद है तो कोई बात नहीं, हैंड इन, ठीक है। ये मैं अगेन हैंड इन कर देता हूँ और ये जो आंसर है वो सब बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो एंड प्राइवेट कमेंट अगर करना है तो आप प्राइवेट कमेंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो सब बच्चे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कमेंट बिल्कुल टीचर के पास आपका ही कमेंट जाएगा, सबको नहीं देखेंगे। जैसे नीचे लिखा है प्राइवेट कमेंट में आपको कुछ लिखना है, कुछ भी लिखना है ना, तो आप उसको लिख देंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कमेंट जाएगा, प्राइवेट कमेंट्स, ठीक है। अब इसको देख जाते हैं। अब देखिए इसमें आगे मार्क अटेंडेंस का मैंने बताया आपको इस प्रकार मिलेगा। तो रोज़ अगर टीचर ने पूछा है कि अटेंडेंस करना है तो आपको ये ड्यू डेट देखना है कि कब है और उसको उसी समय पे पूरा करना है। टाइम भी दिया होता है कभी कभी, जैसे ये 12 बजे के लगभग ख़त्म हो जाएगा आज, है ना। अब इसमें क्या है कि क्लास वर्क में देखो चैप्टर 3 PDF है, वीडियो है, टेस्ट है, अटेंडेंस है, है ना। तो अटेंडेंस यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे ये रहा अटेंडेंस, आपने वहाँ मार्क किया वो कंप्लीट हो गया क्योंकि वो आज का ड्यू डेट में था तो वो हो गया, ठीक है। आप किसी भी चैप्टर के टॉपिक में जाएंगे, ठीक है, कोई भी टॉपिक होगा, जैसे आपको अटेंडेंस टॉपिक जाना है, आप अटेंडेंस में जाएंगे, मार्क अटेंडेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्क अटेंडेंस 30 आज की डेट का है तो आप इसको अटेंडेंस आज करेंगे, आपका नाम लिख देंगे RAVI, ठीक है, क्लास क्लास 3 सेक्शन ए हैंड इन। देखो मिसिंग हो गया क्योंकि इसका टाइम चला गया एक्चुअली, इसलिए वो मिसिंग दिखा रहा है ना, वो मिसिंग इसलिए दिखा रहा है। आप देखो डन लेट लिखा ना इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो डन लेट होगा, ठीक है, लेकिन ये चला जाएगा, ओके। तो रिमेंबर दैट कि आपको ये टाइम पे करना होता है, इसका देखो डेट था, टाइम था, सब था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और एड प्राइवेट कमेंट यहाँ पर भी है, आप प्राइवेट कमेंट भी एड कर सकते हैं, ठीक है, एड प्राइवेट कमेंट, ओके। सो नेक्स्ट, जैसे अभी ये जो काम दिया हुआ, जैसे इंट्रोडक्शन पेज है ये पोस्ट का, इसका कोई ड्यू डेट नहीं है, ये सब बच्चों के लिए करना है और उसको सबसे पहले करना था। स्प्लिट अप सिलेबस दिया हुआ है ना, चैप्टर 1 है, इसकी ड्यू डेट थी, इसकी ड्यू डेट आज है। पोस्ट योर होमवर्क फॉर चैप्टर 01 इन इमेज, ओके। PDF गुड मॉर्निंग पोस्टेड, इनकी कोई ड्यू डेट नहीं है, आपको ड्यू डेट का भी देखना है कि कब तक ड्यू डेट है कब तक नहीं है, ठीक है। जैसे अभी आपको बताता हूँ कि जैसे असाइनमेंट दिया है तो वो किस प्रकार उसको करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पोस्ट योर होमवर्क, अब यहाँ पर पोस्ट करना है हमें, ठीक है। तो 100 पॉइंट्स का है ये, इसके मार्क्स मिलेंगे अगर आप कंप्लीट पोस्ट करते, उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो एरो देख रहे हैं आप, इस एरो क्लिक करेंगे, एड अटैचमेंट, एड अटैचमेंट में आप अपने वर्क की फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं। यू कैन सेंड ए फाइल, जैसे ये है, जैसे आपने PDF बनाया तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करके अगर आपके पास कोई फाइल होगी, है ना, जैसे ये मेरे पास बहुत सारी फाइल्स दिखा रहा है यहाँ पे, तो इन फाइल में से मैं कोई भेज सकता हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, सपोज ये वर्क था मेरा, तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब फाइल में आपकी इमेज भी हो सकती है, फाइल में आपकी PDF फाइल भी हो सकती है, वर्ड फाइल भी हो सकती है, आप जिसमें भी, जैसे आपने इमेज की और उसको कन्वर्ट कर दिया वर्ड में, ठीक है, ये लगा दिया, दूसरा लगाना है ना, दूसरा लगाना है, या फिर दूसरा शो को फ़ोटो खींच के लगाना है तो टेक फ़ोटो, यू कैन, आप एक फ़ोटो खींच के भी, सपोज फ़ोटो खींच रहा हूँ मैं, ये मैंने, ये हो गया फोटो, ठीक है। अब फोटो को यस पे क्लिक किया, क्रॉस पे करेंगे तो वो गलत वापस ले जाएगी ना, क्रॉस, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा, जैसे थोड़ा सा टाइम लेता है ये अपलोड होने में, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं ये दो वर्क मैंने
अपने कंप्लीट किए हैं और मैं इनको भेजना चाहता हूँ। अब भेजना चाहते हैं, जब तक आप हैंड इन पे क्लिक नहीं करेंगे, फिर से बता रहा हूँ मैं, हैंड इन पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक, इस पे आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप वो वर्क जाएगा नहीं, ठीक है। हाँ, गलती से अगर गलत अपलोड हो गया है तो आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है। जैसे ये क्रॉस किया इसको क्रॉस वापस कर देंगे, जैसे ये सपोज पीछे वाला गलत हो गया तो मैं इसको गलत कर इससे कर दूंगा रिमूव, तो ये रिमूव हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है। इसको हैंड इन कर सकते हैं, अभी हैंड इन किया, हैंड इन, जैसे हैंड इन करेगा तो टीचर के पास चला जाएगा और वो, अब आपको लगता है कि गलत चला गया, वो तो अपन गलती से दूसरा चला गया, पूरा नहीं गया है, तो आप अनसबमिट भी कर सकते हैं। आप जैसे अनसबमिट करेंगे आपके पास वापस अपना वर्क आ जाएगा, वो टीचर के पास नहीं शो करेगा और वापस वही हैंड इन और असाइंड आएगा, है ना। तो और आप प्राइवेट कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या क्या भेजा है उसके साथ, जैसे बोल सकता हूँ कि चैप्टर वन, ठीक है। तो जैसे लगा कि हाँ आपने चैप्टर वन भेजा है, चैप्टर टू भेजा है, तो आप प्राइवेट कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये कमेंट टीचर बस देख सकता है, नॉट एवरीवन, ओके। अभी मैं इसको हैंड इन वापस कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया जैसे होगा, उसके बाद अपन उसको वापस बैक जा सकते हैं। इसको जैसे एरो पे क्लिक करना है वो नीचे आ जाएगा और बैक चले जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और अपने जो मार्क्स होंगे वो भी हमें शो करेंगे कि हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं, ये सब हमें, ओके। नेक्स्ट थिंग हियर, जैसे यहाँ से हमें सारे अपन फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक, यहाँ पे सारे टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक पे देखना है, जैसे चैप्टर वन देखना है तो चैप्टर टू देखना है, चैप्टर वन देखना है हमें तो चैप्टर वन की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। चैप्टर टू देखना है तो चैप्टर टू की सारी चीज़ें आएंगी, तो चैप्टर थ्री देखना है चैप्टर थ्री की जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी, ठीक है। अब जैसे इसमें चैप्टर में PDF है, वीडियो है, इनको कैसे देखना है, PDF पे क्लिक करना है तो एक PDF फाइल यहाँ पे होगी, वो शो अप करेगी और ये इस PDF को जैसे क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये फाइल ओपन होगी और ये कंप्लीट चैप्टर है क्लास थ्री का, चैप्टर यूनिट टू चैप्टर वन, ओके। बट आप सो बैक जा सकते हैं, ठीक है, बैक जाएंगे और कमेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और ऐसे ही वीडियो है उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो भी प्ले होगा, ठीक है। अभी जैसे अटेंडेंस देखना है, अटेंडेंस पर चले जाइए। अब आपने कौन कौन से ड्यू डेट में कौन सी स्टेट देखो सब बताएगा, है ना। तो ये आज की थी, आपने कंप्लीट कर दिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हियर, एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इससे क्या होता है, इससे आपका जो वर्क होता है वो बताता है कि आपने कितना वर्क भेज दिया है, कितना मिसिंग किया है, कितना लेट डन किया है ना। जैसे देखो इसमें अभी तक ये दो असाइंड हैं, हालांकि ड्यू डेट नहीं है तो असाइन दिखा रहा है, जब भी आप कंप्लीट करेंगे तो ये हैंडेड इन दिखाएगा, है ना। ये मिसिंग है, ये हैंडेड इन कर दिया गया है, मिसिंग है और डन लेट है। ये हम अपन देख सकते हैं कि कितना वर्क भेज चुके हैं, कितना मिसिंग है, किसकी ड्यू डेट जा चुकी है, किसकी ड्यू डेट है, ये सब इससे पता चलता है ना। और इसमें फिल्टर लगा के देख सकते हैं, असाइंड रिटर्न्ड मिसिंग, ओके। क्वेश्चन आंसर है इनकी, अगर ड्यू डेट होती है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है। जैसे क्वेश्चन आंसर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैप्टर वन आएगा कि अटैचमेंट है, और हमने अगर कर लिया तो हम लिख सकते हैं कंप्लीटेड, ठीक है। और कंप्लीट लिखने के बाद हैंड इन, है ना। यहाँ पर कोई फाइल अटैचमेंट नहीं कर सकते, बस लिख सकते हैं कंप्लीटेड, तो ये कंप्लीट चला गया और हमने काम कर लिया, पूरा कर लिया। हाँ, अगर असाइनमेंट दिया गया तो उसको आपको अटैचमेंट करना होता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आएगा, है ना। फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योर हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।